सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अपन आमेर फोर्ट घूम के आए, जयगढ़ फोर्ट भी घूम लिया अपन ने। फिर मैंने जो आपको बोला था कि अपन चलेंगे जल महल की तरफ, इतना कुछ खास तो नहीं है, बाय रोड है ये जल महल, बाकी अपन इसको देख लेते हैं कि किस टाइप से है। नॉर्मल सी बात है, जल महल के मतलब अंदर टोटली पानी भरा हुआ है, इतना कुछ देखने लायक चीज़ें हैं नहीं है जैसा कि मैंने यहाँ पे पता किया था। और ये जो चश्मा देख रहे हो ना, ये मैंने आमेर फोर्ट से ली थी, अच्छी लग रही है ना मेरे पे, मुझे पता है, मैं खुद ही अच्छा हूँ, मुझे खुद ही पता है। बाकी दोस्तों मजाक की सो बातें हैं। तो अभी जल महल मतलब आमेर फोर्ट से अगर आप बाई बस आओगे तो आपका 10 रुपये, सिटी बस आओगे तो 5 रुपये है, बाकी ऑटो वाले आपसे कितना भी ले सकते हैं, वो उसके टाइम के हिसाब से है। तो पीछे मेरे जल महल है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बाकी मैं बैक कैमरा से आपको जल महल दिखा दूंगा। जल महल जो था वो मतलब पूरा का पूरा इस मतलब लेक के बीचों बीच बना हुआ था। अभी तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जाया नहीं जाता, बाकी पुरातात्विक अगर सोचें या मतलब पुरानी बातों में सोचें तो यहाँ पे लोग जाते भी थे, सब कुछ था, बाई बोट जाते थे। बाकी अभी तो ये बोलते हैं, जब मैंने यह पूछा तो बोलते हैं कि भूतों से मिलना है तो तू जल महल अंदर चला जा। तो मेरा तो इतना कुछ विचार है नहीं है जल महल के अंदर जाने का, तो मैं आपको जल महल के थोड़े शॉर्ट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। इतना मतलब हाँ ठीक है, जयपुर के अंदर यह फेमस जगह है जल महल, जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे प्री वेडिंग वगैरह लगभग हर चीज़ें शूट, सॉन्ग शूट वगैरह होते हैं जल महल। तो मैं पहले भी आया हुआ था, तो अभी क्या मैंने सोचा कि आपको भी क्यों ना दिखाया जाए जल महल को। आपको बैक कैमरे से जल महल के कुछ दृश्य दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार लग रहा है, यह लेक के बीचों बीच बना हुआ है। तो दोस्तों यह जो दृश्य देख रहे हो यह जल महल का है, यह लेक के बीचों बीच बना हुआ है। कुछ और भी यहाँ पे मतलब पॉइंट बने हुए हैं 2-3, जो कि इस पानी के ऊपरी हिस्से पे हैं। बाकी सामने जो देख रहे हो आप वो जल महल है। जल महल की छत पे बहुत सारे पेड़ भी हैं, आप देख सकते हो, मतलब यह पूरा का पूरा जंजर मतलब बंजर सा टाइप हो चुका है। बाई बोट अगर आपको देखना हो तो उधर से आप टर्न ओवर करके आ सकते हो, इस साइड से आपको दिखेंगे यह 2 टापू जो बने हुए हैं, यह इसी प्रकार से है। पुरातात्विक गूगल से अगर आप पूछोगे तो यह पहले था, यहाँ पे इतना पानी नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा पानी था, पानी के इधर उधर इर्द गिर्द यह बीच में बसा हुआ था। बाकी अभी क्या है, पानी का लेवल थोड़ा हाई होने के कारण यह पूरा का पूरा मतलब पानी के अंदर है। आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा है तो वो देखो, उस साइड पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जल महल की बेसिक जो चीज़ें थी वो यही थी, बाकी इसके इधर वाली साइड आप देख सकते हो पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। थोड़ा वाइड शॉट में मैं दिखा देता हूँ आपको, जल महल इस टाइप से है, बहुत ही शानदार है। वैसे तो देखने को तो जल महल शानदार है, बाकी यहाँ पर क्या है, थोड़ा ऐसा कुछ खास नहीं है देखने के लिए दोस्तों। बाकी यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों की शॉप्स देख सकते हो, जैसे ये देखो यहाँ पे अलग अलग जैसे कलाकृति की शॉप है, उधर आपको बैग वगैरह दिख जाएंगे जो कि जोधपुरी राजस्थानी स्टाइल के अंदर बने हुए हैं, इधर भी ऐसा ही है। शूज़, जूती, चप्पल, हर तरीके की आपको शॉप्स मिल जाएगी। बाकी यहाँ का एक फेमस पत्थर है वाइट पत्थर, उससे निर्मित आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ये देखो सब बिल्कुल वाइट मार्बल से बना हुआ है, ये सब टोटली, ये भी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। बाकी यहाँ बस शॉप्स ही दिखेंगी आपको, बाकी यह जल महल दिख जाएगा। और अगर रुकने का टाइम मतलब जैसे आप सोचो कि अपन को यहाँ पे स्टे करना है 1-2 मिनट 1-2 घंटे, तो आप रह सकते हो, क्योंकि यह जो पैलेस है बहुत ही शानदार पैलेस है, देखने को बहुत शानदार पैलेस है और शांत स्वभाव पैलेस बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे इसके बारे में, झील के बारे में और पैलेस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और यहाँ पे प्रतिबंधित चीज़ें वो भी लिखी गई हैं। बाकी जैसे कि आपने देखा जल महल बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, इतना कुछ खास है नहीं है। वहाँ से अगर आपको जल महल के बिल्कुल पास में जाना है तो आपको अपोजिट साइड से बोट्स मिल जाएंगे, जिसपे शायद 100 रुपये फीस दे के आप जल महल के पास बिल्कुल जा सकते हो, इतना कुछ खास था नहीं। बाकी जब भी आओ तो आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट हवा महल को मतलब जब एक्सप्लोर करोगे तो क्रॉस में ये आता है, तो आप इसको भी क्रॉस कर मतलब देख के जाना, बहुत ही शानदार है। इतना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है, देखने के लिए लुभावित चीज़ है, बहुत ही शानदार है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे जयपुर एक्सप्लोर करने में। और सबसे बड़ी बात ये, मैंने सुबह 9 बजे से स्टार्ट किया था और शाम 4 बजे तक मैं देखता हूँ कि मैं जयपुर को कितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं जो एक एक दिन स्टे करते हैं, बाकी मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे आगे के भी शूट्स हैं, इसलिए मैं हर एक सिटी के अंदर शायद एक दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे, आपको राजस्थान इंडिया टूर के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी भी मैं बहुत सारी अजीब अजीब लोकेशन पे जाने वाला हूँ, तो तब तक बने रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो, और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो और आप यहाँ पर कब आए थे, आप कब आना चाहते हैं।